नमस्कार गुरुत्वपूर्ण खबर सह अर्गस अपडेट को स्वागत मु बिस्मी गुरुत्वपूर्ण खबर देखे किंता पूर्वरो हेडलाइंस कमेंट मरा को नहीं गांव दंडरे विवश हत्याकांड युवकों संघबद्ध आक्रमण बापा मृत पु गुरुतर ढेंकानाल कंकड़ा सोड़े अभावनीय घटना घटनास्थल उत्तेजना जारी एलएसी नहीं आज भारत चीन कथबार्ता बस दशम कमांड स्तरीय बैठक सीमा बिवाद नहीं होपे गुरुत्वपूर्ण आलोचना हाथी मृत्युर कारण खोजा कर्लापाटे तीन जनिया केन्द्रीय विशेषज्ञ टीम घटनार अनुधान सह हाथी को किपर व्यापुची रोग जांच कर दल बंधा हेले एसआई बुगुड़ा कोर्ट एसआई सूर्य नारायण बेहरा गिरफ अभियुक्त को जमीन पर विचारपति जाल दस्तखत नहीं अभियोग थाना एतला पर फेरार पुणि कड़ाकड़ी होपे कोरोना कटका कोविड संक्रमण वृद्धि को दृष्टि रखी स्वास्थ्य विभाग सतर्क सूचना सबु जिलापाल भुवनेश्वर कटक पौर कमिशनर पुलिस कमिशनर पौरपालिका कमिशनर को चिट्ठी एवं परी हत्या मामलें गिरफ नाबालक माँ का विस्फोरक बयान मंत्री फसीगला पु टा नहीं मिछ साक्षी बाबुली लोक अरुण सुरक्षा पर अरुण एसआईटी कर नाटक कमेंट मरा को नहीं गांव दंडे विभत्स हत्याकांड युवकों संघबद्ध आक्रमण में बापा मृत पु गुरुतर एभली अभावन घटना घटी ढेंकानाल जिला परजंगा थाना कंकड़ासोड़ा गाँव में गाँवर जड़े युवती से ही गाँव कि युवक कमेंट मारुले जहाँ को युवती जेजेबापा विरोध करते यह से मध्य कथा कटाकटी होता जहाँ को नहीं उत्त्यक्त युवक मैंने संघबद्ध भाव वृद्ध को संघबद्ध आक्रमण करते खबर पाई युवती बापा सेठे पहुंचे से युवक मान आक्रमण शिकार होते खबर पाई परजंग पुलिस पहुंची उभय बापा पुह को उद्धार करी परजंग गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करते तबे जेजेबापा चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होता बेले युवती बापा अवस्था संकटापन्न रही मंडापाल मेडिकल को स्थानांतरित घटना को नहीं गाँव में उत्तेजना लग रही बेले पुलिस घटनार छानबीन जारी रखी तबे परजंगरु ए संपर्कित अधिक सूचना पे आम सहित जोड़ी प्रतिनिधि सूर्यकांत बेहरा जी फोनलाइन सूर्यकांत पूरा घटना कौन रही है और जानापी चाहिए जो युवक मैंने संघबद्ध भाव आक्रमण करते से बापा मृत होता बेले पु गुरुतर अच्छा तेज से युवक मान को पुलिस धरला कि निश्चित पक्ष विष्णु जहाँ एक अभावन घटना कहे अत्युक्त ना कहीं जो ढेंकानाल जिला पर्जन थाना अंतर्गत कंकड़ा गाँव में यह जघन्य हत्याकांड देखा मिली तो किसी दिन पूर्व से गाँव रिछ युवक से गाँव रे युवती कमेंट मारे जहाँ को लेकिन युवती जेजे बापा काली सन्धार गत काली सन्धार से नृत्ति रहा युवक मान को बारण करने सहित तागिद करते जहाँ को लेकिन उभयों युवक और जेजे बापा मध्य कथकटिकटी होता जहाँ को लेकिन संघबद्ध आक्रमण करते युवक मैंने तो खबर पाइबा पु से घटनास्थल को जाते तो भाव आक्रमण करते तो आक्रमण पर उभय को गुरुतर भाव में पड़ोसी एक अटो साज गोष्ठी सतर्कता को लेते तो सेठे बापा मृत्यु होता बेले पु गुरुतर अवस्था बर्तमान मंडापाल चिकित्सालय चिकित्सित होती तो कह रखा चाहिए कमेट मरा को केन्द्र करघन्य हत्याकांड घटी तो बर्तमान सुधा तारी को पुलिस गिरफ्त करना पुलिस प्राथमिक तदंतर कौन जना पड़ी पुलिस तदंत जारी रखी जो मैंने आक्रमण करते संघबद्ध भाव से युवक मान परिचय मिल पारी हाँ निश्चित पक्षे बर्तमान परिचय मिल पार से गाँव रजमन आपुन नामक दुज युवक प्रत्येक दिन कमेंट करती तो जहाँ को लेकिन से कल पचरा उचरा कर बर्तमान परिचय मिल पार तेज जी गुरुतर थे अवस्था बर्तमान कि जे गुरुतर अच्छे मंडापाल चिकित्सालय चिकित्सित अवस्था बर्तमान संकटपूर्ण जहाँ सूचना मिली निहाती भाव में कमेंट मरा को नहीं गाँ दाण्डे विभत्स हत्याकांड युवकों संघबद्ध आक्रमण में बापा मृत और पुह गुरुतर थी जमापड़ी बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत आप समस्त सूचना पाए
आसिबा परवर्ती खबर को एलएससी ने दीर्घ 10 मसर ऊर्ध समय पर्यंत भारत और चीन मध्य उत्तेजना देखा जा पोंगांग ह्रदर उभय उत्तर और दक्षिण पार्श्वर दुई देशर सेना पछक फेरी क्रम आज भारत और चीन मध्य 10म कमांडर स्तरीय आलोचना होगा जाऊँगी दिन 10टे चीन पार्श्वर एलएससी मालोडारे एही गुरुत्वपूर्ण आलोचना हेबो बोली सेना सूत्रर गणमाध्यम को सूचना मिली। सूचना अनुसार पोंगांग ह्रदर उभय देशर सेना पछक फेरवा पर भारत और चीन कमांडर माने स्थिति एवं भविष्य रूपरेख नहीं आलोचना करेंगे। पूर्व विभिन्न समय भारत और चीन मध्य कूटनैतिक स्तर में आलोचना हो कर्लापाटरे हाथी मृत्युर कारण खोजा अभयारण्य जा घटना अनुध्यान करजिया केन्द्रीय विशेषज्ञ दल टीम डॉक्टर करिकालान माथेस वैज्ञानिक सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ डॉक्टर पीपी पंडा कोऑर्डिनेटर नेशनल एलिफेंट सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन साहू रही। कर्लापाट अभयारण्य 14 दिन मध्य 6टी हाथीर मृत्यु हो हाथी मृत्युर कारण हिमरेजिक सेप्टिसीमिया साहाण रोग बोली कहुछि। तेबे एही रोग हाथी को किपर संक्रमित होला तहार जांच करुछंती केंद्रीय टीम। गतकाली दल भवानीपाटना रे पहुंचबा परे प्रथमे आरसीसीएफ सुदीप्त दास और विभाग अन्य अधिकारी सह आलोचना करथिले। जज का जाली दस्तखत पड़ा महंगा बंधा हेले एसआई गंजाम जिला बुगुड़ा कोर्ट रे कार्यरत एसआई गिरफ। बुगुड़ा थाना रे एसआई को विरोध रे एतला परे तांको गिरफ कर पुलिस। एक हत्या उद्यम मामलें अभियुक्त को जमीन देवाई विचारपति जाल दस्तखत कर अभियोग होने कोर्टर जने विचारपति संपृक्त एसआई ना थाना एतला देते पर एसआई फेरार थे पुलिस गिरफ कर जमापड़े। नुआ रूप से पुणी फेरी कोरोना ब्रिटेन स्ट्रेन पर निकट में भारत में देखा मिली दक्षिण आफ्रिका और ब्राजिल स्ट्रेन सेपटे कोरोनार नुआ रूप को नहीं महाराष्ट्र अनेक स्थान में फेरी लॉकडाउन तेज जदि ओडिशा को फेरे लॉकडाउन तेज केमी रार प्रभाव देखते रिपोर्ट। टेंशन बढ़ाऊ ब्राजिल और आफ्रिका स्ट्रेन नुआ स्ट्रेन को नहीं केते प्रस्तुत ओडिशा केमी आर्थिक स्थिति ब्रिटेन स्ट्रेन पर पुणी थे भारत में चिंता बढ़ाऊ दक्षिण आफ्रिका एवं ब्राजिल स्ट्रेन जहाक नहीं कोरोनार एक नुआ रूप समस्त चिंतार पकाई कहीं कोरोनार स्थिति नुआ स्ट्रेन द्वारा बेस प्रभावित होते किंतु यारी भितर कोवैक्सीन कोविशिल्ड टीकाकरण जारी रही नुआ स्ट्रेन उपर यार प्रभाव कौन रही बर्तमान पर्यटन स्पष्ट हो पारे। फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह भारत में जड़ों ठारे ब्राजिल और चारि जड़ों ठारे आफ्रिकियो स्ट्रेन भूताणु चिन्हट कर ब्राजिल और दक्षिण आफ्रिकार फेरी यात्री मान संस्पर्श में आसी समस्त चिन्हट कर आवश्यक सतर्कता अवलंबन करेणु लोक मैंने अवहेला नक कोरोनार नुआ स्ट्रेन प्रति सतर्क रहिबाकु स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र परामर्श देते एथस पूर्व भली कोविड गाइडलाइन अनुपालन करने को समस्त अनुरोध कर डर तेणु जदि से स्ट्रेन आसला जोटा कि अलरेडी इंडिया डिटेक्ट है हेत लास्ट स्केल जब भी ट्रांसमिशन होती आम जापरने आम जेनोमिक्स स्टडी कर देखा कथा ताको मॉनिटर करिया कथा आउ जो जगार से स्ट्रेन डिटेक्ट हो जगार तो पार्शियल लॉकडाउन कि आटलिस्ट गोटे कंटेनमेंट जोन तो करदे कथा सो दैट से स्ट्रेन टा बाहर को जीवार अन्य पब्लिक व्यापार संभावना कम कारण थर पब्लिक व्यापिले आमर गोटे बड़ धरण सेकेंड वेव आसवर संभावना अच्छे। अन्यपटे महाराष्ट्र रे कोरोनार नुआ रूप देखा मिली नुआ रूप को देख अमरावती और अब्दुल माल रे लॉकडाउन घोषणा करा जाई परे वर्धा रे समस्त स्कूल और कॉलेज को बंद करने को निर्देश दिया जाई। महाराष्ट्र रे 75 दिन परे 5000 अधिक नुआ मामला देखा मिली जदि एभली स्थिति लागी रहे तेबे ओडिशार आर्थिक स्थिति को नहीं चिंता प्रकट करिछंती अर्थनीतिज्ञ राजीव साहू। से कहिछंती जदि पुणी थरे लॉकडाउन हुए तेबे एहा ओडिशार आर्थिक मेरुदंड भांगी देबो लोक माने निजर जत्न नेबा सह कोरोना गाइडलाइन मानिबा उचित। मैं ऑलरेडी देखि सारिछु
2020-21 आर्थिक वर्ष रे ए कोरोना वायरस रो प्रभाव जोगु नेगेटिव ग्रोथ आसिला एवं आमे जस्ट सेथरु बाहरिबा को चेष्टा करिचे एवं आमे गोटे नियर नॉर्मलसी सिचुएशन को आसीचे तेनो एही समय रे आमे जदि कोनोसी प्रकार अर्थनैतिक दिग को जदि देखिबा जदि कोनोसी प्रकार लॉकडाउन प्रोसेस को जिबा सेटा आमको फुनि थरे पछकु फेरै नबो किंतु सेही समय रे जो अन्य देश माने जो प्रकार प्रभावित होती आमे देखिबा जे आमे जेमिता प्रभावित न हो तेणु सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिबा एवं सेतिपय अवेयरनेस आनिबा एवं लोकमानकु सचेतन करिबा। महामारी कोरोनार नुआ रूप समस्त चकित करने भयभीत कराऊ तेणु कोरोना गाइडलाइन सह आवश्यक सचेतनता नुआ स्ट्रेन को दूरे दे पार। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रवि नारायण चिन्मयी साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज। पुणि कड़ाकड़ी होइपारे कोरोना कटकणा। कोरोना संक्रमण वृद्धि को दृष्टि रखी स्वास्थ्य विभाग सतर्क सूचना जारी करछे। अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त कुमार महापात्र एने सबु जिलापाल भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिश्नर समस्त पौरपालिका कमिश्नर को चिठी लिखिछन्ते। महाराष्ट्र समेत किछि राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ुथिबारु आम राज्य में भी यह पुणि थरे बढ़िपे आवश्यक सतर्कतामूलक पदक्षेप नले ओडिशारे मध्य कोरोना संक्रमण पुणि थरे बढ़िबार आशंका देखाउछे। संक्रमण जेभली न बढ़िबो सेथिपाई कड़ा पदक्षेप नेबाकु हेबो। जनगहली स्थान रे कटकणा लगा जिबा सहित टेस्टिंग को गुरुत्व दिया जिबो। परी हत्या मामलें गिरफ नाबालक मां को चांचल्यकर बयान। मंत्री पु फसला बाबुली लोक मैंने पैसा नहीं मिछ साक्षी देते जदि समस्ते जाते हैं कथा मंत्री पाखक कहीं जाता बड़ बड़िया सुरक्षा देवाक जा एसआईटी यही नाटक करपटे यही घटना को नहीं मंत्री अरुण साहू को बीजेपी टार्गेट करजे कि जवाब से माने मंत्री महल को न लुचे कि आमको लुचे कि से जो मंत्री मैंने बड़ बड़ लोक लुचेपी आमको फसई मिछ मिछ सबु डाहा मिछ मंत्री वो बड़ बड़िया पाई मो पु फसला जो माने पु विरोध रे साक्षी देछंती से माने सबु बाबुली लोक पैसा पाई एमिति करिछंती आउ एसआईटी मुख्य अरुण बोथरा डराई धमकाई माड़ मारी मानिबा को बाध्य करिछंती। परी हत्या मामला रे गिरफ नाबालक मां आज देछंती एमिति चांचल्यकर बयान आउ कहिछंती मंत्री को पाई मो पु फसला बड़ बड़िया मानू सुरक्षा देवाई एसआईटी एमती नाटक करुच्ची बाबुली लोक मैंने जानी से आगु कहून कहीं मंत्री जाए कथा जाता प्रश्न कर पुणी बद मंत्री तथा नयगढ़ विधायक अरुण साहू को काठगड़ा को टाणी नाबालक माँ से माने से आम से जो बाबुली अच्छा संपर्क लोक से माने। एगुड़ाक जदि आज्ञा सी जदि साक्षी दबा कथा मो पिलार थिला से फाखी दे थाना रे साक्षी दे थांदे एते मंत्री महल जाय काहेकि गला मंत्री महल दोष काहेकि गला मंत्री महल जाय दोषी एते काहे नाटक होला मो पु जदि करथिला सांग सांग देखिले सांग सांग कहि थांदे सांग सांग काम तुटी थांदा एबे टंका पाइ आज्ञा से माने टंका बिकलिया से छगु मिच्छरे मो पु को नारे कहिकि आज्ञा साक्षी रहिसन ये ही बाबुली ये बीजेडी नेता तथा मंत्री अरुण साहू को राइट हैंड बाबुली नायक नुहे तो बाबुली और मंत्री नारे प्रथम रु परीर बापा माँ आंघातिक अभोग हेले एजाए मंत्री किंवा बाबुली नायकों को एसआईटी तदंत परिसर भुक्त कला ना कहीं साधारण प्रश्न उठू आपरी स्थित भाइराल होता वीडियो सरकार को बचाईप उद्दिष्ट विरोधी एक सांबादिक सम्मेलन में राज्य सरकार को घेरी बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंघा लेखाश्री अभियोग एसआईटी तदंत बाटबणाई भाइराल होता वीडियो क्योंठ आसला वीडियो भाइराल करने षड्यंत्र एसआईटी व अरुण बोथरा एसआईटी हाथ में प्रमाण नहीं अभियुक्त को खसाइबापी बड़ षड्यंत्र अरुण बोथरा कहानी रचिंट असल अपराधी एवं साक्षी साजिचे बीजेडी को सुरक्षा देवार दायित्व अरुण बोथरा नहीं आउ एसआईटी अंधार रे बाड़ी बुलाउछि बाबुली नायक कान्हू बेहरा डुगु नायक हापी नायक जय परिडा बैकुंठ राउतों विरोध में
ପରୀର ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ବିଜେଡି ରଖିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ମୂଳ ସ୍ଥାନ ଧରୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅସଲ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଅସଲ ଅପରାଧୀ, ତାଙ୍କୁ ସରକାର କରିଛି ୱିଟନେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଇଏ ପୁରା ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ବାବୁଲି ନାୟକ, ତାର ବନ୍ଧୁମାନେ କାନୁ ବେହେରା, ଡୁଗୁ ନାୟକ, ହାପି ନାୟକ, ଜୟ ପରିଡ଼ା, ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ, ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ କର୍ମୀ, ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ହେଡ୍ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କୁ, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହୀନ ରାଜନୀତିର ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହୀନ ରାଜନୀତି ବିଜେପି ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କରିଆସୁଛି ତାର ଜବାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଇ ଛିଇ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରିବି, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରୁ ଏଇ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଲିକ୍ ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। କାରଣ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯିଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛନ୍ତି, ଖେଳିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। ଗିରଫ ନାବାଳକ ଦେଇଥିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ। ସେ ଏକୁଟିଆ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପରେ ଧମକ ଦେଇ ତାକୁ ଏସ୍ଆଇଟି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର, କୋଟିଆ ପରେ ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶା ଜମିରେ ବ୍ରିଜ୍ ସହ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ମାଟିଖୋଳା କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଖବର। ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ କାମ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ୍ମ ନେଉନି ତ ଆଉ ଏକ କୋଟିଆ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ, ତିନି ଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାଗେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ। 2 କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶାସନ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଏମିତି କିଛି ହିଁ କହୁଛି। କୋଟିଆ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ବୈରାଗୀ ହାଲୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସାନ ଲୁକୁଟି ଗାଁ। ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା ମଝିରେ ଥିବା ନାଳରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ସାନ ଲୁକୁଟି ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ମିଶାଇବାକୁ ମାଟି ଖୋଳି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। 2 କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ବି ସରିଛି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କାମ ସରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଖବର, ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ମାଣ। ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାନଲୁକୁଟି ଭିଲେଜ୍ରେ ହେଇଛି। ସାନଲୁକୁଟି ଭିଲେଜ୍ରେ ଆମେ 2 ପୂର୍ବରୁ 2 ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ BDO ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇଛୁ 2 ତ ସେମାନେ ଆମ ପଟେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପଟେ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ପଟେ କୌଣସି କିଛି ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବର୍ଡ଼ର୍କୁ ଲାଗିଛି, ବଟ୍ ଆମ ପଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କିଛି। ରାସ୍ତା ବି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିକି ରାସ୍ତା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମେ ଦେବୁନି ବୋଲିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ। ସେ ମଝି ପିଲରରୁ ସିଆଡ଼କୁ ଆନ୍ଧ୍ର, ଆଉ ମଝି ପିଲରରୁ ଇଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍। ବ୍ରିଜ୍ରୁ ସାନ ଲୁକୁଟି ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ 200 ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ଏଥିପାଇଁ ଠିକାଦାର 2 କଲଭର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସାରିଥିଲେ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ନିର୍ମାଣ ଓ ଯୋଜନା କଥା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନା ଜାଣି ଜାଣି ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ? ବିଜେଡ଼ିର ଅବହେଳା ଆଉ ଏକ କୋଟିଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ କି? ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ମାଟି ଖୋଲୁଥିଲେ, କହିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆସିଲା, କୋଲକାତାରେ ଆସିଲେ ବିଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦିଅ ନା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଥାଉ ଥାଉନ, କାହିଁକି ତୁମେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବ, ତାଙ୍କେ ବ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା ତୁମେ କର ବୋଲି ବିଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କୋଲକାତା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଏ ରାସ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୁଛି, ମାଟି ଖୋଲୁଥିଲେ, କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କର ବୋଲି କହିବାର ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ, ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗଚ୍ଛିତ, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପୁଣି ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଏହି ସାନଲୁକୁଟି ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍। ଯଦି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟିଆର ସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି।
रायगढ़ सानलुगुटी अजय रथ अर्गस न्यूज। नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे आज नीति आयोग परिचालना परिषद बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया प्रधानमंत्री अध्यक्षता में बसा मीटिंग बैठक में कृषि भित्तिभूमि उत्पादन मानव संबल विकास स्वास्थ्य आदि गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना हेबो। बैठक में प्रधानमंत्री समेत राज्य और केन्द्र शासित अंचल मुख्यमंत्री उपस्थित रहिबे। जम्मू काश्मीर लद्दाख अलग होगापर प्रथम थर नीति आयोग बैठक में जोड़ी हेबे। तेबे चलित थर बैठक में अन्य केन्द्र शासित अंचल प्रशासनिक मुख्य को मध्य निमंत्रण करा जाय छे। तबे आज नीति आयोग परिचालना परिषद बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया प्रधानमंत्री अध्यक्षता में बसा मीटिंग जहाँ सूचना रही जम्मू काश्मीर लद्दाख अलग होगापर प्रथम थर नीति आयोग बैठक में जोड़ी हेबे। चलित थर बैठक में अन्य केन्द्र शासित अंचल प्रशासनिक मुख्य को निमंत्रित कर। तेबे संपर्कित अधिक सूचना पई आम सहित नुआ दिल्ली रु फोन लाइन रे जोडिना प्रतिनिधि गगन विश्वास। गगन, आज नीति आयोग परिचालना परिषद बैठक बसिबो वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया प्रधानमंत्री अध्यक्षता रे ए बैठक बसुछि। तेबे किछि समय निर्घंट करा जाइछि एही समय रे जदि कबा किछि समय धार्य करा जाइछि केउ समय रहिछि एवं जहाँ सूचना मध्ये रहिछि जम्मू काश्मीर लद्दाख अलग हेबा परे एहा हेउछि प्रथम थर नीति आयोग बैठक। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षता जी कह लॉकडाउन और सटडाउन पर जो कोरोना महामारी पर ये प्रथम बैठक हम तेज निश्चित ये बैठक फेज रे बैठक रही सर्वप्रथमे 10 ये बैठक आरंभ हम जो नीति आयोग सीओ रही अमिताभ कांत सी स्वागत अभिभाषण रखे और गोटे पर गोटे टॉपिक रे आलोचना करा प्रधानमंत्री जी रही सेक्रेटरी पीके मिश्र से उद्बोधन এবং সকাল 10টা কহবে সন্ধ্যা 6টা 15 পর্যন্ত এই বৈঠক রহব এবং 6টি পর্যায়ে বা 6টি অধিবেশন কার্যক্রম স্থির করা হয়েছে। সর্বপ্রথমে যদি কহবে বিভিন্ন রাজ্যের যে আবশ্যক পড়ে বিভিন্ন আইন ল অ্যান্ড অর্ডার কমিশন ফর্ম রয়েছে আগামী দিনের কোন আবশ্যকতা রয়েছে এবং ব্যবসায়িক বাতাবরণ কিভাবে ভাবে উন্নতি আন্দোলন করা যাই পারিব এবং জেলা স্তরের কিভাবে ভাবে আহরি প্রতিযোগিতা মান করা যাই পারিব রপ্তানি কু প্রসারিত করা যাই পারিব নিযুক্তি সৃষ্টি উপরে আলোচনা হব। দ্বিতীয় অধিবেশন যদি কবে সম্পূর্ণ রূপে কৃষি উপরে আলোচনা হব এবং অপরাহ্নে আলোচনা হব এতে জল সংরক্ষণ আরম্ভ করি পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ আরম্ভ করি কৃষি ভিত্তিক পাঠি রাজ্য রাজ্য মধ্যে কিভাবে ভাবে আহরি অধিক বিনিয়োগ করা যাই পারিব এবং এইপরি ভাবে যদি থার্ড অধিবেশন কু আপনার দিলে যেটা কি অপরাহ্নে রয়েছে তা ভৌতিক ভিত্তিভূমি কিভাবে ভাবে উন্নতিকরণ করা যাই পারিব সেভাবে ভাবে চতুর্থ অধিবেশন মানব সম্বল বিকাশ পঞ্চম অধিবেশন তৃণমূল স্তরের কিভাবে ভাবে সেবা প্রদান যে মান রয়েছে তাকে আহরি বৃদ্ধি করা যাই পারিব এবং শেষে স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিকর খাদ্য উপরে বিচার বিমর্শ করা যাব কিন্তু না যে আকাঙ্ক্ষা জেলা গুলি রয়েছে এবং ইয়ারপরে বর্তমান সবুঠু বর্তমান দেখবে পোষণ কিভাবে ভাবে গুরুত্ব বৃদ্ধি করা যাই পারিব তাই নেই সে নেই মধ্যে বজেট রে প্রাবধান করা যাই চলিত বর্ষ তেমনি এইভাবে ভাবে মানব সন্তান যদি কে গোটে প্রকার সারাংশ কহিলি এই 6টি পর্যায়ে বৈঠক হব এবং শেষে যে রয়েছে ক্যাবিনেট সচিব রাজীব গোবা সে উদ্বোধন দেবে কোন রহিলা বৈঠক এবং রাজ্য মানে সেমানকে সুযোগ রহিব সেমানকে ডিমান্ড রাখিবা পাইঁ বিষ্ণু নিহতের গগন তারপর মধ্যে সমস্ত নজর রয়েছে কিন্তু সবুঠ বড় কথা জম্মু কাশ্মীর লদাখ অলগা হওয়ার পরে প্রথম থর নীতি আয়োগের বৈঠকের যোড়ি হব বলে যা সূচনা রয়েছে। চলিত থর বৈঠকের অন্য কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল প্রশাসনিক মুখ্য নিমন্ত্রণ করা যাচ্ছে। বহু ধন্যবাদ গগন আপনার সমস্ত সূচনা পাই। সমস্ত রয়েছে বুলেটিন রাখবা অধিক আপনার ভিজিট করবেন আমার ওয়েবসাইট অর্গস নিউজ। নমস্কার।